हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा रूफ़ुस से विंडोज 7 की बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने खोलना है फायरफॉक्स या क्रोम, उसके बाद आपने गूगल सर्च करना है रूफ़ुस। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले वाली वेबसाइट खोलनी है। अब ये यहाँ पे नीचे रूफ़ुस और उसका वर्जन लिखा है, उसके आगे उसकी MB लिखी है। हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, डाउनलोड कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करिए, फिर राइट क्लिक करिए और उसके बाद करिए रन एडमिनिस्ट्रेटर, फिर यस कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, रूफ़ुस ओपन हो गया है। इसके बाद आपने अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है, फिर आपने अपना ISO फाइल सेलेक्ट करनी है। जैसे होगी देख जैसे कि आप देख सकते हैं, ISO सेलेक्ट हो गई। पार्टीशन स्कीम, ये होता है हार्ड डिस्क की एक तरीके की टाइप। तो इसका आपको चेक करने के लिए सबसे पहले आपने कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है, मैनेज पे जाना है, यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट खोलना है। उसके बाद डिस्क ज़ीरो, जैसे कि ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे डिस्क ज़ीरो पे राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। उसके बाद आपने जाना है वॉल्यूम पे। जैसा वॉल्यूम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पार्टीशन स्टाइल आपका हार्ड डिस्क का दिख जाएगा। जैसे कि मेरी हार्ड डिस्क MBR है, आपकी उस हिसाब से होगी। आप उसके बाद यहाँ पे जाके आपने अपनी हार्ड डिस्क का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। सारे ही ऑप्शन आ गए, उसके बाद आपने बस स्टार्ट कर देना है।
जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बूटेबल आईएसओ बन गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।